मैं स्वीडन में, स्वीडन के उपसाला शहर में प्राचार्य हूँ। हमारा विषय का नाम है इंडोलॉजी यानी भारत विद्या, और वो हमारा संस्थान बहुत बड़ा है। हमारे संस्थान में कई भाषाएं हैं, उनके साहित्य पढ़ाए जाते हैं जैसे चीनी, तुर्किश, फारसी, और हमारे यहाँ संस्कृत और हिंदी भी है। पर मेरा जन्म तो जर्मनी में हुआ और मेरी नागरिकता अभी भी जर्मन है। अभी 5 साल से स्वीडन में हूँ। जब मैं 15 साल का लड़का था उस वक्त मैंने एक नॉवल पढ़ा, एक जर्मन लेखक उपन्यासकार का, वो है मन हेसे का, सिद्धार्थ के नाम से, एक बहुत मशहूर नॉवल है हमारी जर्मन हमारे यहाँ जर्मनी में। और उससे मेरी मालूम नहीं, मेरी जागरूकता बौद्ध धर्म की ओर और हिंदुस्तान की ओर चलने लगी, और किसी तरह से मैं आखिर में हिंदी तक पहुंचा। और अब इसमें मेरी नौकरी भी बनी, ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नौकरी मिलने में मुश्किल भी हो सकती है। हिंदी की वजह से नौकरी मिली आपको? हाँ, ये यानी मैं अभी प्राचार्य हूँ। मैं न सिर्फ हिंदी पढ़ाता हूँ, हिंदी साहित्य, पर संस्कृति भी पढ़ाता हूँ, इतिहास, दक्षिण एशिया का इतिहास और धर्म का इतिहास कुछ हद तक। और हिंदी हमको पढ़ानी है यानी शुरू से, जो छात्र नए छात्र हमारे आते हैं इनको आम तौर पर कुछ हिंदी नहीं आती, यानी वो ज़्यादातर हमारे यहाँ के मूल निवासी हैं। इस भारतवंश, भारत प्रवासी के बच्चे आजकल भी आते हैं, पर हमारे कम है। स्वीडन और इंग्लैंड में कम है, अमेरिका में बहुत ज़्यादा है, यूके में भी बहुत ज़्यादा है, जर्मनी और स्वीडन में कम है। पर वे लोग अभी अपनी पहचान की कोच में तो ज़रूर बढ़ती हुई संख्या में आते होंगे आने वाले सालों में, पर अभी तक कम है। हिंदी और संस्कृत में कोई ऐसा साहित्य हो जो आपने पढ़ा हो और आपको बहुत अच्छा लगा? हाँ ज़रूर, पहले संस्कृत मेरा मुख्य विषय होता था, जिस तरह से आमतौर पर उस कम से कम उस जमाने में जर्मनी में इंडोलॉजी के अंदर में होता था। और पर मैंने लगभग शुरू से हिंदी भी किया, और पर गौण विषय के रूप में, और पाली उसके बीच में आने लगा। संस्कृत में मैंने, संस्कृत में आमतौर पर 1 साल तक व्याकरण पढ़ लेते हैं और शब्दावली शुरुआत वगैरह, और फिर दूसरे साल में हितोपदेश, पंचतंत्र पढ़ते हैं, इसके बाद दर्शन भी पढ़ते हैं, अद्वैत या सांख्य भी पढ़ा मैंने, कुछ उपनिषद पढ़ते हैं, कालिदास पढ़ते हैं, और डिपेंड करता है। तो कई चीज़ें मुझे पसंद है, कालिदास मुझे याद है, उनके मेघदूत मुझे बहुत पसंद था, शकुंतला से, अभिज्ञान शकुंतलम नाटकम से मैं पहले बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं था, मेघदूत से ज़्यादा प्रभावित था किसी तरह से। ऐसा कहा जाता है कि जर्मनी में संस्कृत और वेदों पे बहुत काम हुआ बहुत, ये पर ये भी देखना है, ठीक है, हमारे यहाँ 19वीं सदी की शुरुआत में ऐसे 12-15 जगहों पर विश्वविद्यालयों में संस्कृत के लिए और इंडो यूरोपीय भाषा इतिहास में प्राध्यापक पीठ या प्राचार्य पीठ बनने लगे, और उन लोगों का उन दिनों में उन लोगों का जो अनुसंधान था वो सचमुच अग्रहीन, वो काफ़ी आगे हैं, और हम इन लोगों के सामने कुछ नहीं है, वो तो सही है एक तरह से। फिर भी ये भी देखना है कि जो लोग उस वक्त बड़े बड़े थे वे समझते थे कि वो जो सबसे शुरुआत में वो जो जिसको अंग्रेजी में गोल्डन एज कहते हैं वे ज़माने सही थे, और आज तक हिंदुस्तान में सिर्फ गिरने लगा है पूरी तरह से संस्कृति से, भाषा, सब कुछ। तो वो भी देखना है कि वो उपनिवेशवाद के ज़माने में ये एक ऐसी मानसिकता थी जिसके अंदर में वो किसी तरह से वो भारत विद्या भी आ जाती है, और इसमें भी हम लोग जैसे मेरी पीढ़ी के जो इंडोलॉजिस्ट है मैक्स मिलर के भी का भी बहुत विश्लेषण भी करते हैं, आलोचना भी करते हैं। इस हिंदी सम्मेलन को लेके क्या सोचते हैं? हिंदी सम्मेलन को लेके मैं पहली बार एक हिंदी सम्मेलन पर आया हूँ, और ये मेरे लिए बड़े आदर की बात है कि मैं विदेश मंत्रालय की ओर से बुलाया गया हूँ। मैं आजकल अभी लगभग 30 साल से हिंदी पढ़ने के बाद हिंदी में एक हद तक पहुँच गया हूँ जिसमें मैं आसानी से पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ। वैसे फिर भी हिंदी मेरे लिए एक विदेशी भाषा है, मेरी मातृभाषा जर्मन है और जर्मन ही रहेगी। अच्छा मुझे इधर लगता है कि बहुत लोगों से मुलाकात होती है जिनसे अभी तक, जिनके बारे में मैंने सुना या शायद जिनके लेख मैंने पढ़े, पर अभी तक मुलाकात नहीं हो पाए। और इसके अलावा
यहाँ जो सक्रिय संपर्क जो होना चाहिए हिंदी पर और हिंदी की जगह हिंदुस्तान के अंदर में और हिंदी की जगह विदेश में, अब विश्व भाषा की बात उठाई जाती है बार बार, वो बहस कहाँ हो सकती है अगर इधर नहीं हो सकती। मैं बहस की बात करता हूँ क्योंकि वो न सिर्फ हिंदी को आगे बढ़ाने का मामला उसके साथ है, पर हम सवाल भी पूछते हैं, हिंदी क्या है, कौन सी हिंदी। प्रधानमंत्री जी ने ये सवाल उठाया कि कौन सी हिंदी। खिचड़ी, मैं हमारे छात्रों को हमेशा समझाता हूँ कि आमतौर पर लोग हिंदुस्तान में समझते हैं खिचड़ी ज़ुबान का मतलब यही है, एक मिक्स लैंग्वेज यानी मिश्रित, वो लोग उसको असली नहीं समझते, शुद्ध हिंदी सही समझते हैं। मैं हमारे छात्रों को समझाता हूँ वो गलत बात है। शुद्ध हिंदी, जिसको शुद्ध हिंदी कहते हैं, वो एकदम संस्कृत निष्ठ हिंदी, वो एक तरह से कृत्रिम भी है। ठीक है, परिभाषिक शब्दावली को बनानी चाहिए और वो संस्कृत का आदर उसके लिए काफ़ी सक्रिय भी है और बहुत अच्छा एक आदर उसके लिए हो सकता है, मैं इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। पर ये भी देखना चाहिए कि अगर हिंदी सचमुच एक जीवित ज़ुबान होनी चाहिए, तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अलग अलग भारत के अलग अलग ज़ुबानों से शब्दावली लेनी है, ये भी महत्वपूर्ण है कि आपस में संपर्क हो अलग अलग ज़ुबानों के बीच में। इससे मैंने शुरू किया, हिंदी क्या है उसके बारे में बहस बहुत ज़रूरी है हमें हर वक्त, और हिंदी कैसे आगे इसका क्या होगा, खासकर डिजिटल मीडियाज में, आजकल वो डिजिटल मीडिया आगे बढ़ते हैं, हिंदी शायद इसके साथ कम से कम फिक्र है कि हिंदी उसके साथ नहीं बढ़ेगी, तो उसमें कुछ करनी चाहिए। इसके अलावा हमको ये भी सोचना चाहिए कि हमको हिंदी के अनुवाद आगे बढ़ाने चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि गलत अनुवादों से हिंदी साहित्य को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया विदेश में। अब विदेश की बात करता हूं, और इस पर हमको सोचना पड़ेगा, और मुझे उम्मीद है अभी हम पहले दिन हैं कि यहां भी इसके बारे में बहस करने का मौका। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि सब लोग मेरी राय अपनाएँ, पर मैं मानता हूं कि वाद विवाद अपने आप में एक अच्छा, वो भारतीय संस्कृति के अंदर में ये बहुत अच्छी है, बहुत भारतीय संस्कृति का एक अंश है कि लोग बैठ के और वाद विवाद करते हैं, और ये अगर ये जगह हमारे लिए सही नहीं है तो इस तरह की जगह कहाँ मिलेगी। धन्यवाद।